यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, यानी जो हम ड्रग से एल्कोहल की बात करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा ब्रॉड टॉपिक फॉर्म में आपने लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट, बट थिंक अबाउट द जिस्ट, वो जनरल बातें समझ लीजिए जो आपके लिए निहायत जरूरी है। सर, सबसे पहली बात, कोई भी ड्रग या एल्कोहल लेता है अगर कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहला जो चेंज आता है एंड दैट इज बिहेवियर, उसका बर्ताव जो होता है वो सामान्य से अलग हो जाता है। अब लेकिन लोग जो ड्रग लेते हैं वो कहते हैं नहीं सर, बर्ताव तो हमारा अच्छा ही रहता है, बुरा कहाँ रहता है, हम तो नॉर्मली काम करते हैं। लेकिन सर, बर्ताव बदलता कैसे है, उस पर आप जरा गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सर, पहली बात आती है इस बिहेवियर बिकम वैंडलिज्म, उसका बिहेवियर धीरे धीरे जंगली प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है, मीन्स असभ्य हो जाता है, सहन शक्ति उसकी कम होने लगती है, कोई बात उससे कोई कहता है तो बड़ी जल्दी वो एग्रेसिव हो जाता है, इवन एग्रेसिव तो कभी इतना ज्यादा कि अक्सर वो लड़ाई भी कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो नशेड़ी व्यक्ति होता है अक्सर वो कहीं मारपीट कर लेता है, क्योंकि कोई बात उसे सहन नहीं होती। एक शब्द और इस्तेमाल हुआ आपकी किताब में, इट्स बिहेवियर बिकम रेबलस। रेबलस बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई बड़ा अगर आपसे कोई बात कहता है तो अगर हम सभ्य में हैं, रेबलस बिहेवियर नहीं है तो हम सुनते हैं। हमें पता होता है कई बार कि जो बड़ा अथॉरिटी है वो हमसे जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर रेबलस होगा तुरंत रजिस्ट करते हैं, जबकि एक लिमिट तक तो हम सुनते ही है ना। बड़े लोग कई बार गलत बोलते हैं, कई बार अच्छा भी तो बोलते हैं, लेकिन हम उनको रिस्पॉन्ड उसी भाषा में नहीं करते। तो ये जो नेचर है इसका, इसका बिहेवियर ये बदलता है। फिर दूसरी बात आई कि जहां पर ड्रग आएगी वो लगातार ज्यादा ज्यादा लेगा, तो कभी कभी देखा जाता है ड्रग ओवरडोज हो जाती है और इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे मान लीजिए कोई सेडेटिव ड्रग है, एल्कोहल या डिप्रेसेंट्स आपने लिया, तो वो जब वो लेता है तो ज्यादा ले लिया, अगर अपने टॉलरेंस लेवल से ज्यादा ले लिया तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है और इन सम केसेस इट लीड टू द कोमा एंड सम टाइम द डेथ। इस तरह के भी केसेस नजर आते हैं कि ज्यादा शराब पी लेने से आदमी बेहोश हो गया, कोमा फेज में या डेथ में चला गया। सर, ड्रग के साथ बहुत कॉम्बिनेशंस भी किए जाते हैं, उन सबके अपने इम्पैक्ट हैं। कभी कभी हम ड्रग ज्यादा नहीं लेते हैं लेकिन कंबाइंड फॉर्म में ड्रग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अल्कोहल लिया और साथ में हमने बारबिट्यूरेट ले लिया, दोनों सेडेटिव हैं, तो हमने कह रहे अल्कोहल तो हम रोज जितना लेते थे उतना ही लिया, लेकिन साथ में आपने एक सेडेटिव और लिया तो दोनों का एक्शन ड्यूल या उससे ज्यादा कई बार हो जाता है, इसलिए आप में इम्पैक्ट ज्यादा आता है। बात हम अपने अल्कोहल की करें तो अल्कोहल के बारे में कुछ बातें जरूर जान लें। जैसे कुछ बातें तो हमने पहले भी कही हो कहीं, दैट इज चैप्टर रहा होगा डाइजेशन। सर, अल्कोहल जब हम लेते हैं तो सामान्यतः अल्कोहल हमारे स्टमक से ही एब्जॉर्ब होती है, लेकिन एब्जॉर्ब हमेशा वो खाली पेट से बेहतर होती है। इसलिए जो शराबी व्यक्ति होता है वो अक्सर खाना खाने के पहले शराब पीता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर पेट में हमने स्टमक में खाना भर दिया और फिर हम शराब पियेंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट आता है कि जब अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब होकर सीधे लिवर के पास पहुंचता है वाया हिपेटिक पोर्टल वेन। लिवर में जाके जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, साथ में हीट जनरेट करता है। जब अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और हीट जनरेट करता है, इसी वजह से अल्कोहल कंजम्पशन इज रिकमेंडेड इन द कोल्ड एरियाज, ठंडे स्थानों पर शराब पीना सही है, लेकिन अपने टॉलरेंस लेवल पर विद इन लिमिट। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड बन जाता है दिस इंटरफेयर फैट मेटाबॉलिज्म, और ये फैट मेटाबॉलिज्म को जब अफेक्ट करता है तो दैट विल कॉज द फैटी लीवर। लीवर में जगह जगह फैट डिपॉजिट होने लगता है जिसको हम नाम देंगे सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो हमारे यहाँ सिरोसिस ऑफ लीवर एक बड़ा इम्पैक्ट आता है जो काफी बड़ी बुरी बीमारी है। तो ये तो एक कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन की बात आई।
अब अल्कोहल के इम्पैक्ट सीधे तौर पे देखिए, अल्कोहल का नेचर जो है वो सेडेटिव होता है। सेडेटिव इन द सेंस कि आपके मेंटल एक्टिविटीज को कम करता है एंड यस दैट कॉजेज द स्लीप। दूसरा वर्ड इसके साथ है स्टिमुलेंट कभी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट्स एक्शन इज एनाल्जेसिक। शराब अगर आप पीते हैं तो आपको दर्द कम होगा। एनेस्थेटिक सुन्न कर देगा आप में, ये भी इसका एक्शन है। लेकिन ये तीनों एक्शन जब पढ़िए तो ये जरूर ध्यान रखिए कि सर इट कैन नेवर बी स्टिमुलेंट। अगर कहीं कोई भ्रम है किसी को तो फिर ध्यान से सुन लें, शराब कभी भी स्टिमुलेंट नहीं है। सर आपसे सिर्फ बेहोशी आती है। अगर आपने कहीं सुना या देखा कि कोई व्यक्ति शराब पी के मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, वो शराब का असर नहीं है, वो सिर्फ शराब का बहाना है। खैर, शराब पीने के और भी बुरे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे शराब पीने के बाद आपको हर चीजें कई बार दो दो दिखने लगती हैं, जैसे डबल विजन जिसे डिप्लोपिया कहते हैं। तो सर जाहिर बात है ड्राइविंग शुड नॉट बी डन एट दिस टाइम। एक शब्द और है टनल विजन, ऐसा लगता है कि सर हम सड़क पे चल रहे हैं तो सिर्फ हम ही हम चल रहे हैं, इसलिए 2D अवॉइड करना चाहिए। ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग शुड नॉट बी टुगेदर, एक ही डी से काम चलाइए, या तो ड्राइव कर लीजिए या ड्रिंक कर लीजिए। तो ये अक्सर लिखा रहता है कि शराब पीकर वाहन चलाना नहीं चाहिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। तो एक और सेंटेंस आता है कि शराब जो है वो डायुरेटिक भी है। डायुरेटिक का मतलब आप में यूरिन की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ा देता है। तो अगर कभी कभी हम ज्यादा से शराब पी लेते हैं और सेडेशन की वजह से सो जाते हैं तो हम में यूरिनेशन होता है और हमको पता नहीं चलता। जब पता नहीं चलेगा तो जाहिर है आप में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड दैट विल कॉज द हैंगओवर। इसी को हैंगओवर कहते हैं, जो अगली मॉर्निंग आपका सर भारी हो जाता है, गला सूख रहा होता है, उसी को हम हैंगओवर कहते हैं। डायरेटिक होने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल हैं वो आपके शरीर से निकल जाती हैं, इससे कुछ वाटर सॉल्युबल डिफिशेंसी भी हो जाती है। ये तो मैंने जनरल बात कही कि अल्कोहल एब्यूजेस से क्या क्या हो सकता है, लेकिन ड्रग एब्यूज की बात जो इस टॉपिक में आपसे कही गई है वो इस रेफरेंस में कही गई है कि कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग एब्यूज करते हैं, जानबूझकर करते हैं, और उनमें जो ड्रग्स हैं एंड दैट इज अ नार्कोटिक्स, आपकी किताब में नार्कोटिक एनाल्जेसिक लिखा हुआ है, वो नार्कोटिक हैं। फिर दूसरा जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, ये बॉडी को बिल्डअप करते हैं। तीसरा डायुरेटिक्स, और भी ऐसे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसका मिसयूज बहुत होता है। इनका जो बेसिक फंक्शन है स्टेरॉइड्स का, वो आपकी बॉडी मास को बढ़ा देते हैं, एग्रेसिवनेस को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी हिट हो जाती है, थोड़ी अप हो जाती है। लेकिन हमारी इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो गेम्स होते हैं वहाँ पर ऐसी अथॉरिटी होती है जो इन ड्रग्स का सेवन जांच लेती है। नाम आपने कभी सुना हो डोप टेस्ट, एक जांच होती है जिसमें हम पेशाब और खून की जांच करते हैं, जिस टेस्ट से हम ये पता कर पाते हैं कि किसी एथलीट ने कहीं कोई रेस्ट्रिक्टेड ड्रग का सेवन तो नहीं किया है। लेकिन फिर भी कुछ जगह पर मिसयूज इसका होता है जो नहीं होना चाहिए। अब अब्यूज की बात की है, अब्यूज मतलब रॉन्ग यूज, मिसयूज जिसे आप कहते हैं। तो जो ड्रग लेने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कई बार साइड इफेक्ट्स बहुत सारे नजर आते हैं। एक जनरल साइड इफेक्ट याद रखिएगा कि जो फीमेल है उसके अंदर मेल करेक्टर डोमिनेट करने लगते हैं, जैसे उसकी वॉइस बदल जाती है, शरीर पर और चेहरे पर हेयर आने शुरू हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस बदल जाती है, मूड स्विंग करता रहता है, हमेशा एक कॉमन मूड में नहीं रहता, डिप्रेशन होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट नहीं हो पाता, क्लाइटोरिस छोटी रह जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल रह जाती है। तो ये जो जनरल फीचर्स हैं ये साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसी बात पुरुषों में भी अगर आप देखें तो उनमें भी है, एग्रेसिवनेस उनमें भी बढ़ जाती है क्योंकि वो उसका नेचर है। सर वहाँ भी मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, लेकिन सर वहाँ पर मेल करेक्टर स्लगिश होने लगते हैं, टेस्टिकल्स छोटे हो जाते हैं,
टेस्टिकल्स का मतलब होता है टेस्टिस और एपिडर्मिस, दोनों को मिला लिया जाए तो हम उसे टेस्टिकल्स कहते हैं। सर वो छोटे हो जाते हैं तो जाहिर है आपकी फर्टिलिटी अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए सर ये अवॉइड करना चाहिए। खैर जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उनका वो जाने, आपको चैप्टर में सिर्फ इसलिए बताया गया कि आप जो है इसका ध्यान रखें। इसके लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात की जाती है कि आप किसी प्रतिस्पर्धा में ना पढ़ें, अवॉइड द पीयर प्रेशर, आप अपने अच्छे दोस्तों के बीच में रहें। दोस्तों का भी फर्ज है कि अगर दोस्त कोई बुरा काम कर रहा हो तो उसको नोटिस में लाएं। टीचर्स और पेरेंट का फर्ज है कि सर उसको प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसको उसको बुरे प्रभाव बताएं, और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मेडिकल हेल्प की तो मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर जहाँ ड्रग एब्यूज होगा वहाँ परफॉर्मेंस गिरेगी। कोई भी ड्रग एब्यूज आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं सकती। फॉर ए शॉर्ट टाइम आपको लग जरूर सकता है कि इस ड्रग के सेवन से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बट लॉन्गिटिविटी नहीं है उसमें, इससे ड्रग की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये काउंसलिंग बेहद जरूरी है, इससे जो अपने पीयर्स हैं, पीयर्स का मतलब जो आप कोलीग हैं, कंपेनियंस हैं, उनसे किसी प्रकार का अलग कॉम्पिटिशन मत रखें आप, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। आप अपने टैलेंट को पहचाने, कोई बात नहीं सर आपके 10 ही सवाल सही हुए, नो मैटर, यू हैव डन वेल, ये वर्ड ध्यान रखें, यू विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। इस बार 10 किए हैं, अगली बार 40 करेंगे, फिर 70 करेंगे, क्योंकि सक्सेस इज नॉट द स्टोरी ऑफ ओवरनाइट, असफलता जरूर मिलनी चाहिए, इट गिव्स अ लेसन टू विन।